विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछला रिकॉर्डिंग का प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि मेरे जैसे लापरवाह तो होंगे नहीं। चलिए जी, आगे का काम शुरू करते हैं। तो हमारा ये रहा प्रोजेक्ट, इसको मैं ओपन कर दूंगा। SRC मेन वेब ऐप, ये है इंडेक्स और ये है सर्वलेट का पेज। तो कुछ फोल्डर या पैकेज में बना लेता हूं यहाँ पे। न्यू पैकेज .crud मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, इसमें DAO क्लास रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा पैकेज बनाऊंगा, DAO क्लास के बाद क्या रहेगा, सबनेट रहेगा, DAO रहेगा। जरूरत पड़ने पर मैं बाकी पैकेज बना लूंगा, अभी नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, बीन पैकेज तो बनाना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। कॉम .crud.bin का स्पेलिंग ये है या ये है मेरे को नहीं मालूम, आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट जो सर्वलेट है इसमें एजेक्स रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजेक्स का रिक्वेस्ट करेगा जो है इसको। अब ये जो है, ठीक है, ये जो सर्वलेट है ये रिक्वेस्ट करेगा किसको, DAO क्लास को। DAO में एक क्लास बना रहेगा, ठीक है, DAO में एक क्लास बना रहेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा DAO क्लास को, ठीक है। DAO का मतलब क्या, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। DAO में जो क्लास होगा वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या फिर जो भी काम होगा वो ऑपरेशन डेटाबेस में करेगा वो काम, ठीक है। सर्विस क्लास भी बीच में एक और लेयर बनता है, पर मैं वो लेयर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ सिंपल आप ऐसे ही काम कर लेना, ठीक है। सर्विस लेयर में एक लेयर और जुड़ जाता है, तो आप इतना समझ जाओगे तो सर्विस लेयर तो आप खुद से बना लेना, क्यों। तो चलिए, मैं थोड़े देर के लिए DAO जो पैकेज है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। क्यों डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि इतना डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है, हमारे पास इतना डेटा आ चुका है, ठीक है। इस डेटा को हमें बीन में संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा बीन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बीन में पैकेज मैनुअली बना चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा और क्लास लूंगा, इसका नाम लिखूंगा स्टूडेंट बीन, स्टूडेंट बीन, ठीक, एंटर करा। मैनुअली क्लास इस तरह से बनता है। स्ट्रिंग यहाँ पे आईडी लूंगा, ये आईडी स्ट्रिंग बना होगा, नेम, मोबाइल, ईमेल, सेमीकॉलन, एक रह के हम क्या करेंगे, प्राइवेट कर देंगे, ठीक है, प्राइवेट INT ID ले लेंगे हम। इसको आप फाइनल भी बना सकते हो ID को, मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, चाहे बना देते हैं, फाइनल का दिक्कत है, ID तो अपडेटेबल है नहीं, फाइनल किस दिन के लिए हम लोग पढ़े थे, फाइनल बना देते हैं। चलिए, अभी क्या कह रहा है समझ रहे हैं, फाइनल को इनिशियलाइज करना जरूरी है, कर देंगे जी इनिशियलाइज, क्या टेंशन ले रहे हो। यूजिंग फील्ड कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं हम यहाँ पे जनरेट करके ऐसे, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये एरर आ रहा है फाइनल होने के कारण, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, हम फिक्स कर देंगे इसको, ये फाइनल में हटा दें हम, एक बार जो हम लगा देते हैं वो कभी नहीं हटाते, इसलिए हम भी नहीं हटाएंगे। चलिए जी,
जनरेट कर दिया, अब गायब हो जाएगा एरर। नहीं गायब हुआ, ये क्या बोल रहा है। एक कंस्ट्रक्ट जब तक इंट फाइनल होगा तब तक जो है ये नहीं एरर ही बताएगा, इसलिए हम इसको गायब कर देंगे। ठीक है, अब सेटर गेटर भी बना लेते हैं। गेटर सेटर आया, जनरेट कर दूंगा ऑल सेलेक्ट, ये कर सेट गेटर भी रहे बस रहेगा, सेटर नहीं रहेगा। आ गया सब कुछ, आईडी का सिर्फ गेटर बना है, सेटर नहीं बना है काहे। अरे इक्लिप्स आईडी इंटेलिजेंट है, समझ गया कि ये फाइनल है, एकरा के इसमें दोबारा असाइन होगा नहीं तो हम काहे के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो यही इसी के कारण से ही बन गया ये। हम जल्दीबाजी में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हटाना, कर्ली ब्रेसेस हटा दिए। चलिए जी, तो ये बन गया। एक बाद हमको क्या करना है कि इसके बाद हमको डाओ क्लास बनाना है। तो बीन में मैं कैसे कैसे काम किया आप देख लिए, ये बनाया सिर्फ, और इसमें क्या कर दिया, सेटर गेटर पास कर दिया, राइट। चलिए जी, तो ये तो हुआ मैनुअली क्लास बनाने का टेक्निक। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे इधर, तो इधर मैं करूंगा ऐसा, स्टूडेंट स्टूडेंट बीन इक्वल टू बीन व्यू कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, आईएनटी में जीरो डाल देंगे, नए मोबाइल नंबर ईमेल पासवर्ड सब अपने आप बन के रेडी हो गया। न्यू काहे के लिए हम कंट्रोल जेड कर दिए, नेम आ गया, मोबाइल आ गया, ईमेल आ गया, सब अपने आप बन गया। नेम मोबाइल ईमेल, नेम मोबाइल ईमेल, ठीक है ठीक है, अपने आप पूरा यहाँ पे रिसीव हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी आईडी नहीं है इसलिए आईडी नहीं लिए हैं, ठीक है, जीरो डाल दिए हैं। अब पैकेज यहाँ पे बनाया था वो तो हम डिलीट कर दिए, तो अब कैसे किया जाए हम बताते हैं आपको कैसे किया जाए। कॉम डॉट क्रड डॉट डाओ डॉट, अब बना दीजिए स्टूडेंट डाओ इक्वल टू डाओ, इस तरह से हम बनाएंगे। न्यू काहे के लिए ये सब आ रहा है, न्यू ऐसे हम कर देंगे इसको, ऐसे कर दो आप। ठीक है, अब ये बोल रहा है पैकेज वैकेज इसको मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करने का, इधर इधर एरर का साइन दे रहा है, बहुत सारा एरर आ गया, कर देंगे। देखिए क्रिएट अ पैकेज, माउस लाया तो अपने आप पॉपअप आया और कर दूंगा फिनिश। अब देखिए अपने आप डाओ पैकेज बना, अपने आप डाओ का क्लास बना। ठीक, इतने से हमारा पेट नहीं भरा है अभी, तो हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे, इफ का कंडीशन नहीं लगाएंगे हम, आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम इज सेव्ड ये बूलियन वेरिएबल बनाता हूं, बूलियन इक्वल टू यहां पे आएंगे डाओ डॉट सेव, सेव मेथड कॉल करेंगे और इसको दे देंगे बीन। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे इज सेव्ड, अगर सेव्ड में ट्रू है तो क्या हम कर देंगे जी, क्या कर देंगे, एजेक्स को बोल देंगे, क्या बोल देंगे, प्रिंट, यहां बोल देंगे डन, काम हो गया। एक ठो स्टेटमेंट ही लिखे हैं काहे के लिए ऐसे, फिर इसके बाद क्या कर देंगे, कुछ गलती करे वो सुधार लो अपन गलती। ठीक है,
तो फेल्ड हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो यहाँ पे ये सेव को एरर दे रहा है, मैं यहाँ पे लाऊंगा, बोल दूंगा क्रिएट मेथड, और यहाँ पे मेथड अपने आप बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से जनरेट किया जाता है, आप समझ ही गए होंगे। बीन को मैंने मैनुअली बनाया, डाओ को मैंने जनरेट कर लिया। आप चाहते तो इसको न्यू से यहीं पे सीधा ऑब्जेक्ट बना लेते, या फिर और यहाँ पे आप चाहते तो सीधा यहाँ पे सेव मेथड हम कॉल कर सकते थे इस तरह से इफ के अंदर, लेकिन मैं इतना शॉर्ट टेक्निक नहीं इस्तेमाल किया ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, मैं शॉर्ट हैंड टेक्निक इस्तेमाल करूँगा थोड़ा कुछ दिनों बाद। ठीक है, यहाँ पे भी आप टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते थे। कैसे लगता है टर्नरी ऑपरेटर, हम बता देते हैं आपको। ये देखिए, ऐसे अगर ट्रू आता तो हम क्या कर देते थे, ऐसे ये पास करने के बाद ऐसे। तो ये शॉर्ट हैंड टेक्निक वगैरह कुछ है। ठीक है, ऐसे आखिरी में दे दिया मैं सेमी कॉलन। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये कट किया ऐसे 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 ऐसे, ये देख लीजिए। तो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब, ठीक है, इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब, इफ वाले लाइन का मतलब, दोनों बराबर है, आप जो चाहे यूज कर लो। मैं टर्नरी को नहीं यूज कर रहा हूँ, भ्रम होगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी शॉर्ट टेक्निक कर सकते थे, सीधा सेव मेथड को कॉल कर सकते थे इफ में, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, तो इतना हमने काम कर दिया, हो गया। अब सेव के अंदर आते हैं। सेव के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाना होगा। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पे हम बना रखे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे बना देंगे डेटाबेस डॉट गेट सीओ कनेक्शन। ना बाबा ना, एक क्लास बना दिया मैं डेटाबेस पैकेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइवेट स्टैटिक एनएन इक्वल टू नल, नल कर दिया मैं इसको। ये ऐसा क्या बोल रहा है, ओ कनेक्शन ये ले लीजिए, एसक्यूएल पैकेज के अंदर हमारा कनेक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन, ठीक है, एसक्यूएल पैकेज के अंदर कनेक्शन है, उस कनेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ। कनेक्शन गेट गेट कनेक्शन, ठीक है, ऐसा एक मेथड बनाऊंगा, फिर चेक करूंगा अगर कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल है तो क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दो बाबा कॉन्ट, कनेक्शन में रिटर्न कर दो। अन्यथा क्या करो, कनेक्शन बना लो यार, क्या करोगे आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कनेक्शन, तो क्लास डॉट फॉर नेम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ड्राइवर का नाम बताएंगे, तो कॉम डॉट, फिर उसके बाद क्या है, माई एस एसक्यूएल डॉट जे डी सी जे होगा शायद, सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। ये हमको कैसे पता चला, हम क्या बताएं, हमको कैसे पता चला, ये ट्राई कैच बोलने का अभी लगाने के लिए, हम लगा देंगे इसमें ट्राई कैच, कोई दिक्कत नहीं है हमको लगाने से, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन को प्रिंट करेंगे। ठीक है,
ऐसे कर देंगे, फिर ये लोड हो गया। अब क्या करेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, हम लेंगे ये वाला, मैं ले लूंगा। ठीक है, क्या कहता है, पहला पैरामीटर यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यूआरएल में क्या डालेंगे, JDBC:MySQL:local:host:3306, ये माई एस क्यूएल का पोर्ट नंबर है, और फिर सर्वलेट CRUD क्रड, ये डेटाबेस का नाम है, राइट। ये डेटाबेस का नाम है, ये यहाँ पे क्या आएगा, यूजर नेम रूट लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे भी आएगा क्या, रूट। पासवर्ड है मेरे MySQL का, ये पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है आपके MySQL में, वो आप पासवर्ड दे देना, राइट। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, सेमी कॉलन देना चाहिए, और क्या करेंगे, ये कनेक्शन हमें दे देगा CONN, इसमें हम रख लेंगे, एक रिटर्न कर देंगे जी, दे दिए हम कनेक्शन। ठीक है, अभी बार बार कुछ एरर दे रहा है। ठीक है, तब क्या किया जाए, इसमें ये कह रहा है कि या तो रिटर्न कर दो या तो ये कर दो, तो हम अब क्या कर दें इसमें, कोई बात नहीं, ये कनेक्शन वहां को हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करने का, चलो यहाँ भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस है, ताकि कुछ एक्सेप्शन आए तो पता चल जाए। तो कनेक्शन प्रिंट करके देख लें क्या, हम लोग मेन मेथड यहीं पे बनाता हूँ, और यहीं पे क्या कर लेता हूँ, गेट कनेक्शन मेथड कॉल कर लेता हूँ SYSO के अंदर। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी आएगा क्या, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कोई बात नहीं, हम वही तो देखना चाहते हैं। चलो रन हो जाओ प्रोग्राम, रन हो गया, आ गया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, पता नहीं क्या क्या ये बोल दिया, ये नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बताते हैं हम आपको क्या करना चाहिए। हमें MySQL डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अपने एप्लीकेशन को, हमें MySQL का एक ड्राइवर चाहिए। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा ड्राइवर, मेरे पास है मेरे कंप्यूटर में, तो हम जाएंगे इसमें, ये देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है MySQL का कनेक्टर, 8.0 वर्जन है मेरे पास। ठीक है, एक मिनट, एक छोटा सा चीज रह गया मेरे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ पहले, ओपन विथ रार, सबसे पहले com.com का नाम का फोल्डर आया, फिर MySQL आया, फिर CJ, ठीक है, फिर उसके बाद JDBC, अब इसी के अंदर होगा ड्राइवर। ये देखिए ड्राइवर क्लास है, तो यही क्लास का हम बात कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहाँ रखना है, वेब आइनफ के अंदर। ठीक है, ये जो लिब फोल्डर है इसी के अंदर सर्वलेट के रिलेटेड जितना है API वगैरह थर्ड पार्टी, उन सब को हम यहाँ पे पेस्ट करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कनेक्टर आ चुका है, अब जो है मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम को फिर से रन कर दूंगा, तो आप देखिएगा कनेक्शन हमारा प्रिंट होगा। ये क्या बोल रहा है, सर्वलेट क्रड, ये डेटाबेस मैंने बनाया नहीं है अभी, इसीलिए बोल रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये जैसे ही मैं बना दूंगा तो आएगा,
मैं इस तरह से क्यों एक एक लाइन डिबग वगैरह कर रहा हूँ, आप काम करोगे तो बहुत एरर आएगा, तो आप भी ऐसे ही करना डिबग। हाँ ये बात सही है कि मेरा रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर क्या करें, मेहनत करना पड़ता है। खुल जा भाई जल्दी से, मैं पॉज कर लेता हूँ, नहीं चाहता वीडियो लंबा बने। मेरा MySQL खुला, मैं इस पर करूँगा क्लिक, फिर रूट, और जैसे ही मैं रूट लिख के एंटर मारा, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, एक डेटाबेस बनाऊँगा, CREATE क्रिएट डेटाबेस, ये लिख के मारा एंटर, बन के रेडी हो गया डेटा। गलती से क्लिक हो गया बगल में इस पे, एक रह के कैंसिल कर दो यार, ये नहीं कैंसिल करेगा। फिर से मैं राइट क्लिक करूँगा और रन एज, अब कनेक्शन प्रिंट कर दे भाई। अब भी कनेक्शन प्रिंट अगर नहीं हुआ ना, तो दिल्ली जाके हम धरना और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन के नाम पे प्रिंट हो गया, तो हमारा काम हो गया है। ठीक है, मैं मेन मेथड को क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा डिलीट, हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो टेस्टिंग के लिए किया था ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं टेक्निक इस्तेमाल किया हूँ ना, वो टेक्निक मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक इंटरफेस बनाऊँगा DB इन्फो नाम से, क्या हम लिख रहे हैं SB इन्फो, DB इन्फो। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं STRING स्ट्रिंग ड्राइवर नेम, फिर यहाँ पे कुछ बना लूंगा और पासवर्ड। पासवर्ड क्या है आप जानते हैं, रूट रूट URL मांग रहा है, मैं रूआ URL टाइप करने के लिए मेहनत नहीं करूंगा, ये वाला कट करूंगा, इंटरफेस में लाके कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी मांगा जा रहा है हमरे से, दे देंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे इधर, और बोल रहे ड्राइवर का नाम बताओ, तो ड्राइवर साहब का नाम इधर से निकालेंगे। ठीक है, ये है ड्राइवर का नाम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तरीका मेरे को ये भी पसंद नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, एक प्रॉपर्टीज फाइल बनाइए और प्रॉपर्टी फाइल्स को रीड करके यहाँ पे रन टाइम पे ले लाइएगा डेटा प्रॉपर्टी फाइल से। ठीक है, तो ऐसे ही करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा db info.driver, ऐसे मैं कर लूँगा कॉल। ठीक है, डॉट URL डॉट यूजर नेम, अब इस रूट के जगह पे डॉट पासवर्ड। ठीक, तो इस तरह से हमारा डेटाबेस का सेटअप पूरा तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पे। ठीक है, सेव मेथड में आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, कौन कनेक्शन, कनेक्शन नाम का इंटरफेस लिया, कॉन इक्वल टू डेटा बेस, ये देखिए इस पैकेज वाला डेटा बेस है, डॉट गेट कनेक्शन से कनेक्शन मिलेगा, फिर प्रिपेयर
प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये वाला हम मेथड कॉल करेंगे। यहाँ पे पास होगा क्या, एसक्यूएल का क्वेरी। एरर कुछ आ रहा है, सराउंड ट्राई कैच कर दूंगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिपेयर नहीं आवत है इसे, java.sql.. अब ये देखिए आ गया प्रिपेयर स्टेटमेंट, हमको यही तो चाहिए था, PHT ऐसा कर लूंगा मैं। इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने का मेरे को मन नहीं कर रहा है। एक बार हम करेंगे क्लिक, मैं PRI लिख रहा था इसीलिए नहीं आ रहा सजेशन, यहाँ PRE लिखना चाहिए था। ये देखिए आ गया, ठीक है एंटर करेंगे। अब इंसर्ट का यहाँ पे हमको क्वेरी लिखना पड़ेगा, तो इंसर्ट का क्वेरी मैं कैसे लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मैं स्टूडेंट्स ले लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा नेम, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद ईमेल, ठीक है। मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ इसको ताकि आपको समझने में आसान होगा। फिर उसके बाद ES वैल्यूज, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल यहाँ पे किया हूँ ताकि SQL इंजेक्शन बाकी बाकी चीज़ें ना हो, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम होगा मेरा, और फिर मोबाइल नेम, मोबाइल ईमेल यहाँ पे होगा, पैरामीटर 4 होगा हमें लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क 1 पे जो डेटा आएगा वो नेम के लिए, मोबाइल के लिए 2 पे आएगा, और एक क्वेश्चन मार्क 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है। करूँगा मैं इंटर, ठीक है ऐसा। फिर मैं यहाँ पे आऊँगा PHT.setString, यहाँ पे दे दूँगा 1, 1 में क्या हो जाएगा bin.getName, ठीक है। ये वाला बिन में गेट नेम आ ही रहा है, ठीक। इसी को हम 2-3 बार कॉपी कर दिए और क्या कर दिया, मोबाइल कर दिया, ईमेल, ठीक है। इसको क्या कर देंगे हम 3, इसको कर देंगे 2, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे PHT., इसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट कॉल कर देंगे, ठीक है। किधर गया भाई एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट किस लिए रहते हैं, DML ऑपरेशन के लिए, DDL ऑपरेशन के लिए। क्या लिखा है, DDL माने डेटा डिफाइन लैंग्वेज, ये भी चला सकते हैं लेकिन यूजुअली यहाँ पे इस्तेमाल होगा DML, इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों काम के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी इस्तेमाल होगा। मैं करूँगा इसमें एंटर, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप इंट है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है क्या, तो ये बताता है कि डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड अफेक्ट हुआ है, मतलब डेटाबेस में कितना रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, राइट। तो अभी हमको मालूम है कि आई में तो 1 आने वाला है, क्योंकि 1 रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, इक्वल इक्वल 1 अगर है तो क्या कर दो, रिटर्न PRUE, ठीक है, else रिटर्न फाल्स, ठीक है। बस ऐसे ही हम कर देंगे। अब यहाँ पे भी टर्नरी वगैरह लगा सकते थे लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ से आप हटा दीजिए, ठीक है, और सबसे आखिरी में रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। काहे वो इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 0 में कहा यहाँ लिखा हूँ, 1 ना लिखना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे इक्वल इक्वल 1 किया लेकिन कुछ एक्सेप्शन आ गया, कुछ एरर आ गया, ठीक है, तो क्या हो गया, मान लीजिए ये 0 जो है 0 रिटर्न कर दिया किसी कारणवश, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे रिटर्न एल्स में भी रिटर्न आप कर दिए रहेंगे तो जो है कुछ हद तक केस बनता है कि ये प्रिंट ना हो, राइट। चलिए जी, अब हमको ये टेबल भी बनाना है, अभी काम नहीं खत्म हुआ है, यहाँ पे ये चालू है। तो यहाँ पे आएंगे क्या करेंगे, यूज
क्रड ऑपरेशन, ठीक है, एक या यूज हो गया। स्कीमा में आऊंगा ये देख, और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आ गया है देखिए हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे टेबल बनाऊंगा, सीआईट क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, नेम हो, यहाँ पे आईडी होगा, आईडी आईएनटी इसका डेटा टाइप होगा, ए ऑटो इंक्रीमेंट होगा, प्राइमरी की होगा, फिर नेम होगा इसका, वार केयर होगा डेटा टाइप, इसमें होगा 100 नंबर आ सकता है, और फिर होगा MOBIL मोबाइल होगा, ये भी वार केयर होगा, इसमें 15 डिजिट का आ सकता है, फिर कॉमा ईमेल होगा, इसमें कितने डिजिट का आ सकता है, वार केयर होगा, इसमें कितने 30 डिजिट का ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट क्वेरी बना, मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ ताकि आपको बड़ा दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंटर, कंट्रोल सेलेक्ट कर, कंट्रोल एंटर मारा, डेटाबेस में डेटा टेबल बन गया, ठीक है। अब हम चलाते हैं, ठीक है, इसको, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, करेंगे क्या जब हम करना चाहिए, इंडेक्स फाइल को करेंगे रन, इसको आ जाएंगे यहां, कर देंगे नेक्स्ट, कर दिया हमने फिनिश। चल भाई चल जा, अगर सब कुछ हमारा सही होगा तो चलेगा, और नहीं होगा सही तो नहीं चलेगा, हाथ खड़ा कर देगा कि ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। ये है, ये डेटा तो स्टैटिक है, आपने कल देख ही लिया था, लेकिन ये लाइनिंग जो बॉर्डर आ रहा है पसंद नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है देखने में थोड़ा। खैर कोई बात नहीं, हम इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट सोर्स में कह क्लिक कर दिया, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दिया आपकी बार सीधा, और कंसोल में आ गया, ठीक है। ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 उड़ा लो, ठीक है। अब एक बाद हम क्या कर दिए, सेव बटन पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया फेल्ड, काहे के लिए फेल्ड आ गया भाई, हम कौन सा अपराध कर दिए एकरा सामने, देखते हैं हम कौन सा अपराध किए हैं। सर्वलेट क्लू क्रूड स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, काहे भाई, हमने अपराध सच में कर ही दिया है। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, अब चलेगा स्टूडेंट्स टेबल से नाम बनाया था हमने, आते हैं यहां पे, अब सबमिट पे क्लिक करूंगा तो हमारा अपराध क्षमा हो गया, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। आप जानते हैं कैसे इंसर्ट हो गया, पहले तो हम एकरा के हटा देंगे, ठीक है, तो इसको कर दिया क्लियर, ठीक है। मैं जाऊंगा इस पे, जब चला तो ये वाला डन हमारे पास आ गया, और जैसे ही आया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमारा कहाँ पे हुआ है, पुराना कल वाला आप वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। खुलना जल्दी, टाइम ले रहा है इतना, ये देखिए हम इसको बड़ा विंडो कर देते हैं, ये देखिए कॉल हुआ एजेक्स पूरा, ठीक है, ये रिस्पांस में आता है रिस्पांस, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमने कर रखा है, तो इसीलिए डन आ गया, कुछ एरर होता तो एकरा में आ जाता, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे आओ, ये देखिए बोल रहा है ना इंडेक्स एचटीएमएल लाइन नंबर 105, ठीक है, तो वह लाइन नंबर 105 है, फिर मैं उस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए वह लाइन नंबर 105 है, ठीक है। तो चलिए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। आप मन में सोच रहे हो कि दिखाया कहाँ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट सच में हुआ कि नहीं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ये ले लो भाई, ये देखिए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है। हम इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, ज़्यादा लंबा आप देखेंगे नहीं, इसीलिए बाकी अगला पार्ट बनाएंगे यार, क्यों टेंशन।